आज ही के दिन 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी गई थी, जिसके चलते आज भाजपा ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया और साथ ही आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत अपनी ताकत की झलक दिखाकर की। इंदौर सहित पूरे देश में चल रहे 38वें स्थापना दिवस को भाजपा बड़े ही धूमधाम से मना रही है और सीधी तौर पर आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है, क्योंकि जिस तरह कार्यकर्ताओं ने अपनी स्थापना दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया, वहीं कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा के ध्वज को आसमां में लहराकर आने वाले चुनावों के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी दिखाया। उज्जैन में मंत्री पारस जैन ने समूह के एनिमेटर्स को नाबार्ड के माध्यम से 30 मोबाइल वितरित किए। दरअसल समूह के एनिमेटर्स को डाटा एंट्री से लेकर समूह के कामकाज में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए ये फैसला लिया गया, जिसके बाद एक कार्यशाला में मंत्री पारस जैन ने मोबाइल वितरित किए। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया का सपना पूर्ण करने के लिए नाबार्ड मुख्यालय द्वारा ई शक्ति परियोजना प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह को डिजिटल कर सरल तरीके से बैंकिंग योजना से जोड़ना है। ऊर्जा मंत्री पारस जैन ने अग्रवाल धर्मशाला नई पेट बांटी जाने क्या कारण है मोबाइल बांटने का और किस तरह से सुविधाएं दे रही है। वास्तव में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा जो डिजिटलाइजेशन का जो काम शुरू किया गया है, उसी के अंतर्गत ये ई शक्ति प्रोग्राम नाबार्ड के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसमें देश में जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं उनकी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम कर रही हैं उनका डिजिटलाइजेशन के माध्यम से बैंकों से जुड़ना, अन्य योजनाओं से जुड़ना, उसके ही अंतर्गत ये प्रक्रिया के तहत मोबाइल का नाबार्ड के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और पुरुष वर्ग डिजिटलाइजेशन की ओर अग्रसर हो और अपने जो देश की सभी लोगों की जो लाभान्वित योजनाएं चल रही है उससे लाभान्वित हो। सर, आपका नाम और पद दोनों? जय प्रकाश राठी, अध्यक्ष महर्षि उत्तम स्वामी जन कल्याण समिति उज्जैन। आज कुछ मोबाइल्स बांटे हैं, क्या कार्यक्रम था? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को डिजिटल से जोड़ने की बात कही थी, उसमें उत्तम स्वामी नाबार्ड के माध्यम से कार्यक्रम किया गया है। अभी 80 मोबाइल लोगों को दिए हैं, उसमें सरकार की केंद्र सरकार की जितनी भी नीतियां हैं और जो भी जन निधि तक पहुंचाने की है वो सब उसमें जैसे डाटा खोलेंगे उनको मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री का सपना है हम सब मिलकर उसको साकार करेंगे और उसी के तहत आज ये मोबाइल बांटे गए हैं। जिनको मोबाइल मिले हैं उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद। इन दिनों लुटेरे के हौसले बुलंदियों पर हैं, जिसके चलते शहर में बढ़ती जा रही है लूट की वारदातें। ऐसा ही एक मामला सामने आया है नाना खेड़ी का, जहां दिन दहाड़े नाना खेड़ी पर व्यापारी से 10 लाख रुपए की लूट की गई है। मोटरसाइकिल पर सवार लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम, बंदूक की बट से हमला करके लुटेरे हुए फरार, पुलिस लगी सर्चिंग में। मैं बैग लेके भागने लगा तो मुझे पकड़ के बट मारने लगे तो कट्टाड़ा दिया, आ गए तो बैग छोड़ दिया। व्यक्ति के साथ लूट हुई है, वो किसी बैंक से कुछ कैश निकाल के आ रहा था और कुछ मिर्ची डाल के जो है उसमें लूट की घटना कार्य हुई है। पार्टी सर्चिंग में लगी हुई है, हमने आसपास के जिलों पे भी चेकिंग लगवा दी है।